वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जैक बोर्ड के स्टैंडर्ड 11 इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इतिहास के जो पहला चौथा अध्याय है, जो जिसका हेडिंग है, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक नगर, हाँ, इराक 3000 ईस्वी पूर्व, लेखन कला और शहरी जीवन, अर्ली सिटीज फोकस इराक थर्ड मिलेनियम बीसी, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। देखिए क्वेश्चन है, नव पाषाण काल के बाद मनुष्य ने किस युग में प्रवेश किया? तो इसका आंसर है धातु युग में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को सबसे पहले किस चीज का पता चला? तो इसका आंसर है पत्थर। ताम्र युग के बाद मनुष्य ने किस युग में प्रवेश किया? इसका आंसर है कांस्य युग। सबसे पहला सभ्यता दक्षिणी मेसोपोटामिया का उदय कहाँ हुआ? उसका आंसर है इराक। उसका आंसर है इराक। मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं? तो दजला और फरात महत्वपूर्ण नदियाँ हैं मेसोपोटामिया की बच्चों। अक्काद और सुमेरियन दोनों को मिलाकर क्या बना? बेबीलोन बना। सहायता से एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेते थे, चाक की सहायता से। मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। तांबे और रांगे के मिश्रण से क्या बनता है? कांसा। तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है कांसा। मुद्रा बनाने के लिए किन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? रंगीन पत्थर, कलर्ड स्टोन का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण मेसोपोटामिया में मुख्य रूप से कितने शहरों का विकास हुआ? 3 शहरों का विकास हुआ। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? गेहूं मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज थी। मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? इनाना। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? हैंगिंग गार्डन्स आर द गिफ्ट ऑफ व्हिच सिविलाइजेशन? बेबीलोन सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? कीलकार स्क्रिप्ट। What was the script of Mesopotamia civilization? कीलकार script. बेबीलोन शहर नगर का प्रमुख देवता कौन थे? मुद्रक। Who was the main god of Babylon town? अक्काद का शासन सारगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा? In which year governor of अक्काद सारगन sat on the throne? 2350 ईस्वी पूर्व, 2350 BC। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन सभ्यता, मोस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड मेसोपोटामिया। एरेक और सुमेर की राजा की उपाधि किसने धारण की? हु गॉट द डिग्री ऑफ किंग ऑफ अराक एंड सुमेरी? लुगर जगीसी। उस नगर में प्रेम और विलास की कुमारी देवी कौन थी? इनिनी ENANINANI। यूरोप के यात्री और विद्वान किसको अपना पूर्वजों की भूमि मानते थे? यूरोपियन ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स एक्सेप्टेड विच लैंड एज देयर फोर फादर्स लैंड? प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण किसके आधार पर किया गया था? ऑन व्हाट बेसिस वॉज द टेम्पल बिल्ट इन द एंशंट टाइम्स? त्रिपक्षी योजना, ट्राइपार्टाइट प्रोग्राम। विद्वानों द्वारा लेखन कला का सर्वोत्तम विकास कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में। अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स व्हिच प्लेस वाज द ओरिजिन टू राइटिंग स्किल? मेसोपोटामिया। पशुओं के गोबर से बनी खाद भूमि को कैसे बनाती थी? उपजाऊ। पशुओं के गोबर से बनी खाद भूमि को कैसे बनाती थी? हाउ वुड द मैन्योर मेड द एनिमल ड्रिंक मेक द लैंड? उपजाऊ, फर्टाइल। महाकाव्य कितने पटिकाओं में लिखा गया है? 12 पटिकाओं में। एपिक्स आर रिटेन इन हाउ मेनी प्लेट्स? 12 प्लेट्स। निम्नलिखित में विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड? निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई? इन विच ईयर वॉज द अर्लिएस्ट नोन साउदर्न मेसोपोटामियन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड? 3000 BC।
इन विच सिविलाइजेशन निनिवेह वॉज लोकेटेड. निनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? असीरिया सभ्यता में स्थापित थी. उर देवता कौन, उर कौन सा देवता था? हु वॉज द उर डेटी? चंद्र देवता, मून डेटी को उर देवता कहते थे. दजला और फरात नदियाँ गिरती हैं, कहाँ गिरती हैं? फारस की खाड़ी में गिरती हैं. दजला एंड फरात रिवर्स फॉल इन वेयर? फारस की खाड़ी. निम्नलिखित में किस नगर में? वारकाशीर्स. अमंग द फॉलोइंग इन विच वारकाशीर्स हैज बीन फाउंड? उस उरुक में, मेसोपोटामिया में की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरियन. विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया? सुमेरियन. निम्नलिखित में प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया. अंडर दीज विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन? अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? विच लैंग्वेज वॉज यूज इन अशोकस इंस्क्रिप्शन? अरामेइक. उर नगर कहाँ था? वेयर वॉज उर सिटी? इन साउदर्न मेसोपोटामिया, दक्षिण मेसोपोटामिया में. मेसोपोटामिया कहाँ था? इराक में. मेसोपोटामिया, वेयर वॉज मेसोपोटामिया? इन इराक. गुड़िया राजा के बाऊ देवी की अर्चना करने हेतु एक कविता रची. बाऊ किस नगर को प्रमुख देवी थी? लागास. बाऊ गुड़िया किंग कंपोज्ड अ पोएम इन द वर्शिप ऑफ गॉडेस बाऊ. इन विच सिटी बाऊ बिलोंग? लागास. बटर से हम आपको डेली निःशुल्क इतिहास के एक एक पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करते रहेंगे. इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. बहुत बहुत धन्यवाद.